बेसिकली क्या करते हैं, हम सीखते हैं कुछ भी चीज सीखनी है उसका ट्यूटोरियल फॉलो करते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करा, बट वो देख देख के उसने ऐसे लिखा है, देख के हमने कर लिया, अच्छा हमें लगता है हमारा चल गया और हमें आ गया, यार नहीं आया है। कुछ ना कुछ करके चला तो देते हैं हम लोग, बट हम ढंग से स्ट्रक्चर्ड कोड नहीं लिखते हैं। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक क्लोजर्स वेरी रियली वेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे क्या होता है, ठीक है तुमने जो बनाया, बट इंपॉर्टेंट है फीडबैक लेना, वो तुम्हें वहीं से मिलेगा। हो सकता है कोई चीज तुम नहीं सोच पा रहे, वो बोलेंगे यार यहाँ ना ये करते और अच्छा हो जाएगा तेरा प्रोजेक्ट। अगर एक यूजर डेटा लीक होता है तो उस कंपनी की इतनी गंदी रेपुटेशन हो जाती है उसके बाद, गवर्नमेंट उसके ऊपर इश्यूज हो जाते हैं, राइट। सो बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं कंपनीज के अंदर, सो दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू लुक फॉर पीपल जो ऐसी चीजों का ध्यान रखते हैं। आई थिंक इफ यू विल डू फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, हर बारी तुमसे एक्सपेक्टेशन है कि HTML CSS तो कहीं ना कहीं तुम्हें लिखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को HTML CSS बहुत पेनफुल लगता है, और मैं बता रहा हूँ उसका सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है कि HTML CSS पेनफुल है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि Hi everyone, this is Ankush. And यार हमने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर we talked about 7 tips, 7 unique tips for you to master data structures, right? जिसके अंदर मैंने और पारिक ने हमने बहुत बात करी अबाउट हमें क्या लगता है कि हमें किस चीज़ से बहुत हेल्प हुई थी और क्या चीज़ें हैं जो तुम हमारे एक्सपीरियंस से सीख सकते हो जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं इन द सेंस दैट अब डेटा स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करते, अब हम वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे। तुम सबको पता है वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, तुम सबको पता है कि वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, बहुत अमेजिंग इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम समझ पाएं कि कैसे क्या करें ताकि वेब डेवलपमेंट में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं। फिर से वी विल टॉक अबाउट 7 points, एंड जैसे लास्ट टाइम एक बोनस पॉइंट था, इस बार भी एक बोनस पॉइंट है, एंड आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट है। तो एंड तक रुकना, तभी पता लगेगा बोनस पॉइंट, एंड एंड तक रुको एंड पूरा समझो। फिर से जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी पारिक का एक्सपीरियंस रहा है, वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इनटू इट। ओके, हाय पारिक, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू, है ना। और चलो यार सही है, सो काफ़ी सही होगा, मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा ये, तो चलो डिस्कस करते हैं। बताओ मुझे, लेट्स स्टार्ट विद यू, व्हाट डू यू थिंक, कोई भी बंदा अगर वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा है तो उसे क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए? ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट तो आई थिंक वेब डेवलपमेंट जब भी स्टार्ट करते हैं हम, तो सबसे पहले हम HTML CSS सीखते हैं, राइट। वो बेसिकली बेस है, और आई थिंक इफ यू विल डू फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, हर बारी तुमसे एक्सपेक्टेशन है कि HTML CSS तो कहीं ना कहीं तुम्हें लिखनी पड़ेगी, वो तो अच्छा से हमें कर लेना चाहिए। तो बेसिकली थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा पेन पॉइंट होता है शुरू में, स्ट्रगल होता है, बट इसको अंडररेट कर देते हैं लोग, और मैंने भी करा था अपने टाइम पे, जो मैं आज तक स्ट्रगल करता हूँ थोड़ा सा। बट आई थिंक जैसे CSS में फ्लेक्स यूज करना, पोजीशन रिलेटिव कैसे होता है, वो तुम्हारा एक बेस सेटअप करता है। एक बार ही अच्छे से सीख लो, फिर पूरी लाइफ में एज अ फुल स्टैक डेवलपर आसानी रहेगी। सो गुड अमाउंट ऑफ टाइम दो, 15-20 दिन अच्छे से लगाओ। अगर तुम पर्सनल ब्लॉग बना रहे हो तो उसको सुंदर बनाने की कोशिश करो। एक बार ही अच्छे से आ जाता है तो फिर जिंदगी भर चीजें अच्छे से बनानी आ जाती है, राइट। राइट राइट, सो आई टोटली अग्री ऑन दैट। एंड एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, देखो बहुत सारे लोगों को HTML CSS बहुत पेनफुल लगता है, और मैं बता रहा हूँ उसका सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है कि HTML CSS पेनफुल है, ये सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग ढंग से नहीं लिखते हैं। अगर तुम लोग स्ट्रक्चर्ड कोड नहीं लिखोगे अपनी CSS का, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाला है। कभी समझ नहीं आएगा, अरे इसमें ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पर ये ID लगा के कुछ कर दिया था, यहाँ ये क्लास लगा दी इसकी वजह से कुछ हो गया, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तुम्हारे लिए। बट अगर तुम थोड़ा ढंग से सीखोगे और समझोगे कि स्ट्रक्चर कोड को कैसे लिखना है, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी और वो हमेशा के लिए आसान रहेंगी और डर नहीं लगेगा, जो जनरली HTML CSS लोगों को लगता है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, सो आई विल टेक केयर ऑफ दैट। आई थिंक देखो एक चीज़ हमें रियलाइज करनी होगी कि जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, राइट। फ्रंट एंड पे तो यूज करना ही करना है, बैक एंड पे भी बेसिकली अब तुम देखोगे तो बहुत सारे लोग Node.js यूज कर रहे हैं, एंड इवन अदरवाइज, राइट। लाइक जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज आई थिंक इज गेटिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट इन द वेब डेवलपमेंट वर्ल्ड, राइट। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से सीखें, एंड बहुत सिमिलर प्रॉब्लम है जावास्क्रिप्ट के साथ भी कि कुछ ना कुछ करके चला तो देते हैं हम लोग, बट हम ढंग से स्ट्रक्चर्ड कोड नहीं लिखते हैं। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक क्लोजर्स वेरी रियली वेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेकिंग श्योर दैट हम उसको यूज करके ढंग का कोड लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड कोड लिख रहे हैं,
बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि यार वेब डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है फटाफट सब कुछ कर लिया, थोड़ा ढंग से टाइम लगा के सीखो HTML CSS को JavaScript को, थोड़ा टाइम लगाओ और ढंग से सीखो। बिल्कुल। डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग ऑन दैट? बस मैं एक और ऐड करूंगा, JavaScript में एक प्रॉमिसेस नाम की चीज होती है, बेसिकली वो ना बाद में काम आती है, जब तुम एक बड़ा ही डेवलपमेंट कर रहे होते तो प्रॉमिसेस कैसे लगते हैं वो हम बेसिकली जब शुरू में सीखते तो उतना अच्छे से नहीं सीखते, बट बाद में रियलाइज होता है भाई जब मल्टीपल रिक्वेस्ट हो रही है तो वो कैसे हैंडल होगा, तो प्रॉमिसेस मुझे लगता है वो भी अच्छे से सीख लेना चाहिए जावास्क्रिप्ट में। ओके ओके फेयर ठीक है पारिक, बताओ नेक्स्ट पॉइंट बताओ। सो HTML CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, अब बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या करना चाहिए हमें। एक और गलती जो सब लोग करते हैं, मैंने भी अपने टाइम पे थोड़ी बहुत करी थी, बेसिकली क्या करते हैं हम सीखते हैं कुछ भी चीज सीखनी है उसका ट्यूटोरियल फॉलो करते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करा, बट वो देख देख के उसने ऐसे लिखा है देख के हमने कर लिया, अच्छा हमें लगता है हमारा चल गया और हमें आ गया, यार नहीं आया है। मतलब असली लर्निंग तब है तुमने कोई भी छोटा आइडिया, कोई गेम बना रहे हो खुद से बनाओ, कुछ भी यूनिक आइडिया पे वर्क करो, मतलब यूनिक एज इन की किसी का कोड उठा के कॉपी पेस्ट नहीं मार रहे हो, चाहे 2048 गेम बना रहे हो चाहे पर्सनल ब्लॉग बना रहे हो, कुछ भी चीजें खुद से करो, उसमें क्या होगा एरर आएंगे फिर तुम गूगल करोगे उसको, तब तुम्हारी लर्निंग होगी, तभी तुम्हें अच्छे से आएगा वेब डेवलपमेंट कि यार ये एरर आया और मैंने ये रिजॉल्व कर लिया, तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा। ट्यूटोरियल एक पॉइंट में बस फर्स्ट टाइम देख देख के कर लिया, बट उसके बाद कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट साथ साथ करते जाओ, दैट विल मेक यू अ वेरी ग्रेट वेब डेवलपर। राइट आई टोटली अग्री ऑन दिस, है ना। और लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे कोर्स के अंदर भी हम कोई भी चीज करते हैं, जैसे HTML CSS किया तो फिर हम वी मेक श्योर कि अब जो भी स्टूडेंट है वो ब्लॉग बना रहा है, जावास्क्रिप्ट किया तो वो 2048 बना रहा है, एंड लाइक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हर जगह पे रखे हुए हैं ताकि बंदा ढंग से उनको करते करते आगे चले। राइट सो लेट मी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच आई थिंक इज वेरी रिलेटेड टू व्हाट यू जस्ट सेड। राइट देखो हम कोड कर रहे हैं, हम ये सब प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है ना वो हमारे लैपटॉप में पड़े रहते हैं और हम भूल जाते हैं फिर उनके बारे में। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तुम छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हो बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो जो भी बना रहे हो उसको गिटहब पे डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी प्रोफाइल बिल्ड होती रहेगी एंड स्लोली एंड स्टेडली जो भी तुम इंप्रूवमेंट्स कर रहे हो वो तुम्हारी प्रोफाइल पे दिखने शुरू हो जाएंगे। फाइनली जब तुम रिज्यूमे में प्रोजेक्ट डालोगे तो तुम गिटहब का लिंक डाल पाओगे। राइट लाइक दीज आर सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट विल कीप यू सॉर्ट ऑफ मोटिवेटेड एज वेल कि यार ऐसा नहीं है कि लैपटॉप में पड़ा हुआ है सिर्फ, कभी अगर किसी ने गलती से स्टार कर दिया, अगर तुमने पब्लिक किया हुआ है, राइट लाइक किसी ने कुछ बोल दिया तो लाइक दैट विल गिव यू दैट मोटिवेशन, एंड ओवरऑल तुम्हारी प्रोफाइल बहुत जरूरी है एज अ वेब डेवलपर, तो वो भी धीरे धीरे बनती रहेगी। तो प्लीज इसको ढंग से यूज करो, ऐसा नहीं करना है प्रोजेक्ट पूरा बनाया फिर एंड में एक बार किया, मैं तो बोलूंगा शुरू से ही ये हमें करते हुए चलना है, दैट वी कीप अपडेटिंग वट एवर कोड वी आर राइटिंग, वी कीप कमिटिंग दैट कोड टू आर रेपो एंड उसको हम ढंग से बिल्डअप करें। बस एक चीज ऐड करूंगा, सो बिल्कुल सही है गिटहब पे डालो, आपने बोला रेटिंग, तो यार आजकल आई थिंक आई हैव सीन ऑन लिंक्डइन पीपल शेयर करते हैं गिटहब पे, उसका एक डेमो भी डालते हैं, सो वो उससे क्या होता है ठीक है तुमने जो बनाया, बट इम्पॉर्टेंट है फीडबैक लेना, वो तुम्हें वहीं से मिलेगा। हो सकता है कोई चीज तुम नहीं सोच पा रहे, वो बोलेंगे यार यहाँ ना ये कर दे और अच्छा हो जाएगा तेरा प्रोजेक्ट, तो यू गेट द फीडबैक, शेयर करोगे लोगों से, फिर और लोगों के आइडियाज से भी तुम्हें आइडिया लगेगा कि ये चीजें भी मैं कर सकता हूँ। राइट तो बस मेरे को लगता है शेयर लिंक्डइन यू शुड यूज, एंड उससे मोटिवेशन भी रहेगी कि मैं कर रहा हूँ, पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट और मुझे फीडबैक भी मिल रहा है। दैट्स अ थिंग, मेक सेंस यप, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट पारिक। राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन वो स्ट्रक्चरिंग वाली बात है। सो जैसे हम शुरू में कोड कर रहे होते हैं ना, हम बेसिकली एक चीज हम मान लो कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं, राइट अब हम उन्हें एक फाइल में यूज करा, वो फंक्शन मान लो कुछ काम करता था, कुछ सर्च करता था, सो हमने एक जगह वो लिख दिया, अब क्या है वो सर्च कहीं और जगह भी यूज हो रहा है। अगर हमने एक स्ट्रक्चर नहीं डाल रखा अपने प्रोजेक्ट में, वो तुम कभी भी इंडस्ट्री लेवल पे मैच नहीं कर पाओगे, बिकॉज इंडस्ट्री में क्या है रिपीटेटिव कोड नहीं अलाउड है, अच्छे से कोड करो, टाइम लगा के करो, तुम्हारे जो मॉडल फ्रेम MVC फ्रेमवर्क है, मॉडल व्यू कंट्रोलर की मॉडल्स में बिजनेस लॉजिक आएगा, कंट्रोलर में नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये इंडस्ट्री लेवल रिक्वायरमेंट है। तो जब तुम इंटरव्यू में अप्लाई करते हो तुम्हारे गिटहब पे कोड देखा जाता है, अगर तुमने बिजनेस लॉजिक वाइज एक स्ट्रक्चर्ड कोड लिख रखा है वो बहुत इंपैक्टफुल होता है,
और जब भी तुम किसी कंपनी में अप्लाई करते हो उसमें असाइनमेंट मिलते हैं, वहां तुम्हें ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड कोड लिखना पड़ेगा, वरना वो बोलेंगे यार इस बंदे को तो कोड करना पहले सिखाना पड़ेगा। सो करो कोड शुरू में, थोड़ा सा बेसिक लेवल पे करो, बट धीरे धीरे स्ट्रक्चरिंग लेकर आओ, दैट विल रियली हेल्प। राइट, एब्सोल्युटली। सो फॉर एग्जांपल आजकल हम बहुत सारी हायरिंग कर रहे हैं कोडिंग निंजास में, एंड अगर तुम अच्छे डेवलपर हो, वेब डेवलपर हो, तो प्लीज यार रीच आउट टू अस, वी आर ऑलवेज लुकिंग टू हायर। राइट, सो यू कैन रीच आउट, यू कैन जस्ट सेंड अस एन ईमेल, contact@codingninjas.com पे भेज देना, एंड पहुंच जाओगे तुम सही जगह पे। बट जब हम भी हायर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, तो क्या होता है कि अगर एक इक्वल सॉर्ट ऑफ वेटेज हम देते हैं ऑन वन थिंग, दैट इज कि फंक्शनैलिटी ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है, सेकेंड कोड ढंग से लिखा है कि नहीं लिखा है, स्ट्रक्चरिंग ढंग से की है कि नहीं की है, कुछ भी रैंडम चल रहा है या थोड़ा सोच समझ के पता है, एक्सपीरियंस है और उस तरह से लिखा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई आई कीप रिपीटिंग, इंटर्नशिप्स बहुत जरूरी होती है, बिकॉज वो तुम्हें वो सिखा देती है। अगर इंटर्नशिप नहीं भी कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, प्लीज वो थोड़ा सीखने की कोशिश करो, लोगों से फीडबैक लेने की कोशिश करो, कोई अगर ढंग का बंदा तुम्हारा कोड रिव्यू कर देगा तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा, तुम्हें बहुत सारी वो चीजें सिखा के जाएगा। ठीक है, सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड परफेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई टेक केयर ऑफ दैट। सो यार मुझे लगता है कि हम जब पूरा कोड लिख रहे होते हैं ना, जब स्पेशली जब खुद से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो एक चीज हम बिल्कुल भूल जाते हैं, वो होता है सिक्योरिटी। देखो किसी भी कंपनी में जो भी तुम काम कर रहे हो उसको सिक्योरिटी का ध्यान रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू आर पोटेंशियली टॉकिंग अबाउट यूजर डेटा। राइट, अगर एक यूजर डेटा लीक होता है तो उस कंपनी की इतनी गंदी रेपुटेशन हो जाती है उसके बाद। रिसेंटली हमने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज के साथ ऐसा हुआ है कि उनके कुछ कुछ बेसिकली कहीं पर कोई डेटा लीक हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से कुछ गवर्नमेंट उसके ऊपर इश्यूज हो जाते हैं। राइट, सो बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं कंपनीज के अंदर। सो दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू लुक फॉर पीपल जो ऐसी चीजों का ध्यान रखते हैं, क्या पासवर्ड को ऐसा कैसा उठा के स्टोर नहीं कर दिया। राइट, या फिर हमारा कोई एपीआई जो हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम फंक्शंस यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमने ढंग से सिक्योरिटी चेक्स लगाए हैं पहले या नहीं लगाए हैं, हम वो सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आई थिंक दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ। तो प्लीज इस एंगल को हमें मिस नहीं करना है अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी वेब डेवलपमेंट की लर्निंग के दौरान। ठीक है, पारिक, एनीथिंग यू वांट टू से? नहीं, मैं ना एक नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, उसके अंदर आपका वो सिक्योरिटी वाला भी कंसीडर कर लूंगा। ओके, सो मुझे लगता है लाइक ठीक है, हम बेसिकली फ्रंट एंड सीखते हैं, बैक एंड सीखते हैं, बट अल्टीमेटली एक फुल स्टैक वेब डेवलपर डिफाइन होता है कि बैक एंड के साथ वो फ्रंट एंड भी इंटीग्रेट कर पा रहा है, पूरा पूरा फुल यूज कर पा रहा है। तो बेसिकली उसमें वो एपीआई यूज कर पा रहा है कि मेरे को कौन सा डेटा दिखाना है, फिर जो आपकी सिक्योरिटी वाली बात है, राइट, कौन सा डेटा किसको एक्सेसिबल होना है, वो वैसा कोड लिख रहा है फ्रंट एंड पे, किस कोई यूजर एडमिन है, राइट, एडमिन को हो सकता है सब चीजों का एक्सेस हो, कोई यूजर हमारा पब्लिक यूजर है, राइट, उसको सब चीजों का एक्सेस नहीं होगा, तो कौन सी एपीआई कौन सा एक्सेस कर सकता है। जब तुम एक फुल इंटीग्रेशन करते हो तब जाके तुम एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनते हो। और इसके लिए मैं बोलता हूँ हमेशा एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करो, चाहे वो ई कॉमर्स ऐप हो, चाहे वो सोशल मीडिया की कोई ऐप हो, क्योंकि उसमें सब कुछ यूज हो जाता है कि ये यूजर का पोस्ट किसको दिखेगा, ये पोस्ट कौन डिलीट कर सकता है, ये सब चीजें जब तुम करते हो तब अल्टीमेटली एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनते हो। राइट, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, रादर देन मेकिंग 10 स्मॉल प्रोजेक्ट्स, सीखते हुए तुमने कर लिए, ठीक है, अब एंड में आके बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम अपने रेज्यूमे में 10 प्रोजेक्ट नहीं लिखेंगे, हम एक या दो प्रोजेक्ट ही लिख रहे होंगे जो थोड़े सिग्निफिकेंट साइज के होने चाहिए। कमिंग टू द बोनस पॉइंट, सिर्फ बनाओ मत, प्लीज उसको डिप्लॉय करो, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्विस पे डिप्लॉय करो, ताकि जब तुम रेज्यूमे में वो प्रोजेक्ट डालोगे तो सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं डाल पाओ, साथ में लिंक डाल पाओ कि यार यहाँ पर मैंने डिप्लॉय किया हुआ है, जाके देख लो एक्चुअली मैंने काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। एंड उससे दो चीजें होंगी, पहली चीज तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सेकेंडली अगर तुमने ढंग से नहीं किया हुआ ना तुम्हें बहुत शर्म आएगी और तुम उसको ढंग से कर लोगे। ठीक है, सो प्लीज उसको कर लेना, बहुत जरूरी है, डिप्लॉयमेंट टीचेस यू अ लॉट, एंड अलॉन्ग विद दैट एक बार तुम डिप्लॉय करोगे तो तुम्हारा मन करेगा, क्या दोस्तों को बोलता हूँ अरे यार यूज करो, अरे किसी और को बोलता हूँ यूज करो, लिंक्डइन पे डालूंगा यूज करो, लिंक्डइन पे यार गिटहब प्रोफाइल डालेंगे हम पक्का से डालेंगे, बट साथ में एक लिंक डालोगे तो सोचो उसकी पावर क्या है। लिंक्डइन पे लोग जो तुम्हारा पोस्ट देख रहे हैं वो सबके सब कोडर थोड़ी है,
उन सबको थोड़ी गिटहब प्रोफाइल समझ में आने वाली है। कोई कोडर भी होगा तब भी जाके वो तुम्हारी गिटहब प्रोफाइल खोलने में मतलब कोई इंसेंटिव होना चाहिए ना, वो क्यों खोले तुम्हारी प्रोफाइल। बट अगर तुम वो लिंक डालोगे तो यार एक लिंक पे ही तो क्लिक करना है, दिख जाएगा क्या बना हुआ है वहां पे, तो गिटहब पे जाके कोड समझना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत टाइम लगेगा। सो ये लिंक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा, तुम 90-95% एफर्ट मार चुके हो ये सब बनाने में, अब जो ये 5-10% एफर्ट है ना डिप्लॉय करने का, इसको कर लो, बहुत कुछ सिखाएगा तुम्हें और तुम्हारे प्रोजेक्ट की वैल्यू 2-3 times कर जाएगा, ठीक है। सो प्लीज इसके ऊपर ढंग से काम करो। एंड आई थिंक बोनस पॉइंट है बट पोटेंशियली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमने स्पेशली आफ्टर फॉलोइंग द 7 points कि भाई इतना कुछ कर लिया अच्छे से सब कुछ, फिर एंड में आके इसको मत छोड़, ठीक है। पारिक यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस? बस मैं एक ही बात बोलूंगा, लाइक ये हमने टिप्स बता दी हैं, इफ यू वांट टू सी द रोड मैप या बेसिकली कैसे एक्चुअली फॉलो करना होता है, तो उसकी भी एक वीडियोस है, यू कैन रेफर इन, मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, यू कैन रेफर देम। मैं बता रहा हूँ अगर ये 7 points और प्लस वो रोड मैप बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, मार्केट में ऐसे लोग नहीं है, मिलते नहीं है। सो अच्छे से फॉलो करो एंड इफ यू हैव दैट स्किल तुम्हारे को मुंह मांगी जॉब मिलेगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू पारिक, काफी मजा आया मुझे ये वीडियो बना के, आई थिंक काफी यूजफुल होने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए। आई होप यू सॉर्ट ऑफ लाइक द वीडियो, ये अगर मजा आया तुम्हें तो प्लीज लाइक कर दो, एंड कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट, एंड वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू, बाय बाय।